और यहाँ से इस वाले हिस्से से हमें इसको आगे धकेलना है। और चीज सेब की जो लंबाई बनती है उस लंबाई को कैसे बनाए, तो कढ़ाई में तेल हमें ज्यादा रखना होता है। इसको हमें इस तरीके से दबाना है। बहुत ही बढ़िया कलर क्वालिटी। तो यहाँ पर हम हींग सेव बनाएंगे, एकदम बढ़िया इंदौरी हींग सेव। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया था 1 किलो बेसन है और उसके अंदर 200 ml तेल। तो तेल यहाँ पर हमारे चुका है कढ़ाई के अंदर और गरम गरम तेल को हम बेसन के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो 1 किलो बेसन, 200 ml तेल। अब इसके साथ में मसाले ऐड करेंगे। खास करके मसालों के बारे में आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पर हमारा हींग। इस हींग को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, लास्ट में। और इसके अंदर पानी मिलाकर हींग वाला पानी तैयार करेंगे, फिर ऐड करेंगे। हींग मैंने यहाँ पर लिया है 8 ग्राम और ऐसे देखिए तो 1 टीस्पून है। और ये है दोस्तों लौंगी मिर्च, एकदम बढ़िया तिक्कापन आने के लिए लौंगी मिर्च लेंगे हम। इसके अंदर कलर बिल्कुल नहीं है, ये है लौंगी मिर्च। और ये आ गई यहाँ पर हमारा स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, और ये है काली मिर्च। इन सभी का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ताकि आपको आसानी होगी बनाने में। तो ये हींग है, इसके अंदर पानी डालकर इसको, इसका एक पानी बनाकर हम साइड में रख देंगे जिसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ये लौंगी मिर्च आ गई हमारी, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और वजन से देखेंगे तो 30 ग्राम नमक है। और ये आ गई काली मिर्च 12 ग्राम, और ये आ गया अजवाइन 5 ग्राम। अजवाइन को हमें ऐसा थोड़ा सा मचल कर इसके अंदर ऐड करना है जिससे इसका स्वाद अच्छा आएगा, और बेसन है तो ये अच्छे से पचेगी खाने में। तो अभी देखिए मसाले तेल बेसन के अंदर बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं। तेल गर्म होता है तो थोड़ा ध्यान से बेसन लगाए, पानी ऐड होने के बाद तो ये माल ठंडा हो जाएगा। तो पानी ऐड करने से पहले तेल को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स करना होता है, तभी जाकर ये खस्ता होती हैं। और इसके अंदर हमने सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसको खस्ता बन करने के लिए तेल जो यूज़ किया है वो तेल ही इसको खस्ता करेगा। तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से मसाला और तेल बेसन में मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर डो लगाएंगे। अभी आप देखिए नॉर्मल पानी से हमने आटे को इस तरीके से बेसन को गूंद कर ले लिया है। इसके बाद में इसको लगभग 5 मिनट तक और इसकी अच्छे से मालिश की जाएगी, तो वो मैं अभी करूँगा। और उसके अंदर हींग का पानी ऐड करके वो मैं बताऊँगा, तभी जाकर वो एकदम बढ़िया स्वादिष्ट और खस्ती सेव बनती है। तो अभी देखिए अभी तो ये थोड़ा घट है, अभी अब हम ये हींग वाला पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। देखो नीचे हींग रह जाता है, तो ऐसे इसको चलाकर ऐसे ऐड कर दें। अभी हमें इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, और जब हम इस डो को करीब 5 मिनट तक गूंदेंगे ना, तब जाकर ये बढ़िया सॉफ्ट होगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जब माल बनता है ना, तो उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन वो मशीन में, सब कुछ मशीन में होता है तो उतना देखने में सही नहीं लगता है। तो अब हम हाथ से आपको एकदम बता रहे हैं ताकि आपको आसानी हो घर पर बनाने में। और हींग की नमकीन बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही शानदार। इसको आप लगभग 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये सेव जो है खराब नहीं होती। तो अभी देख सकते हैं अब हम इसको और थोड़ा सेट करेंगे। अभी हम नमकीन बनाते वक्त हमें जो है इसके अंदर 100 ग्राम करीब बेसन और लेना है, और इस बेसन को हमें इस तरीके से ऊपर छिड़क देना है, और इसको हल्के हाथों से ऐसे दबाओ और इसको एक बार ऐसे पलट लो। ये देखो हाथ पे चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो डो है सेट हो चुका है और अब हम इसकी सेव बनाएंगे। तो हींग सेव जो होती है उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ये वाला जारा यूज कर रहे हैं। इस जारे की साइज है 1 नंबर। आप ऐसा जारा ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं और लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम सेव बनाना शुरू करेंगे। तो अभी देखिए सेटअप पूरा होके है, तेल हमारा गर्म आ चुका है, मीडियम आंच पर हमने तेल को रखा है गर्म। और देखिए ऐसा साउंड आता है ना, तो समझ लीजिए कि तेल हमारा गर्म है। अब हम यहाँ से बेसन उठाया और बेसन उठाने यहाँ पर ये जारा हमारा और जारे के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब हम हाथ को थोड़ा गीला करेंगे, ये पानी में गीला कर दिया। अब आप फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो डो है हमें जारे के लास्ट वाले भाग में रखना है और यहाँ से इस वाले हिस्से से हमें इसको आगे धकेलना है। अंगुलियों का हमें कोई उपयोग में नहीं, अंगुलियों को सिर्फ ऐसे बैंड रखना है या फिर सीधा रख सकते हैं। सेव को सबसे देखो, सेव को अच्छी बनाने में दो चीज़ों का मेन रोल होता है। एक तो होता है कि हमारा डो एकदम परफेक्ट लगना चाहिए और दूसरा होता है तेल की आँच पर इसको हमें कैसे रखें। एक और चीज़ सेव की जो लंबाई बनती है उस लंबाई को कैसे बनाएं। तो कढ़ाई में तेल हमें ज़्यादा रखना होता है, ये जो जारा होता है जारे से मात्र इतना सा कम होना चाहिए, तभी जाके सेव हमारी लंबी बनेगी। अगर आप तेल कम रखेंगे तो सेव टुकड़ा होगी। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तेल हमारा गर्म, जारा रख दिया है और अब हम इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। एकदम अच्छे से भर गई है सेव से। इसको हमें इस तरीके से दबाना है और ऐसे करके इसको पलटना है। ये बड़ा वाला जारा ऐसे दबाओ, ये सेव हमारी बनकर तैयार। बहुत ही बढ़िया कलर, क्वालिटी, टेस्ट और इसकी ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट। ये हमारी सेव आ गई यहाँ पर बाहर। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमने पूरा सेव बनाकर तैयार कर दिया है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है पूरी इंक सेव बनकर तैयार। ये है इंदौरी हींग सेव। तो इसे बनाने का पूरा तरीका और ट्रिक के साथ मैंने समझाया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ कि सेव कितनी खस्ती बनी है और बहुत ही लंबी बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक एकदम बढ़िया खस्ती और एकदम शानदार। देखिए आसानी से टुकड़े हो जा रही है। तो बस इसे बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया है। इसको एक बार बनाने के बाद 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी खाने का मन करे चाय के साथ, टिफिन के साथ, और अगर आप बिजनेस करते हैं क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इसको क्वांटिटी में भी बेच सकते हैं। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और पूरा मेजरमेंट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।